नमस्कार, निराला संगीत सदन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। हम म्यूजिक थ्योरी के बारे में भी कुछ समझेंगे और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ का जो गायन का सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, वो भी देखेंगे कि थ्योरी में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हम पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चन पेपर्स को भी इसमें देखेंगे और हम किस बुक की मदद से थ्योरी तैयार कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, थ्योरी में क्या सब पूछे जाते हैं, थ्योरी का सिलेबस क्या है। सबसे पहले है परिभाषा, कुछ शब्दों के जिन्हें जो हमें जानने चाहिए। संगीत, भारतीय संगीत में दो मुख्य पद्धतियां, नाद, स्वर, सप्तक, ताल, जाति, सम, ताली, खाली, आवर्तन, मात्रा, अलंकार और रागों का परिचय। और हमें क्या देखना है, शुद्ध तथा विकृत स्वरों का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। इसे परिभाषा के रूप में भी पूछ लेते हैं या कभी दो प्रश्नों को मिलाकर पूछ लेते हैं। इस वर्ष के निर्धारित स्वर समूहों का परिचय जानना आवश्यक है, जो भी राग हमें इस वर्ष पढ़ने होंगे उनमें कौन से स्वर लगते हैं, कौन से वर्जित हैं, ये सभी हमें देखना है। भातखंडे स्वरलिपि और पंडित विष्णु दिगंबर पद्धति का भी ज्ञान होना चाहिए। गीतों के प्रकार, सरगम गीत क्या है और लक्षण गीत क्या है। इस वर्ष के लिए निर्धारित तालों के ठेके, ताली, खाली तथा विभाग सहित विलंबित और दुगुन में लिखने का अभ्यास, मतलब इस साल अगर हम देखें तो कहरवा, दादरा, ये सब ताल हैं जो कि हमें पढ़ना है फर्स्ट ईयर में। तो दोनों में हमें क्या चाहिए कि उसे स्थाई और दुगुन में लिख सकें, बोल सकें, उसमें कहाँ ताली है, कहाँ पर खाली है, विभाग कैसे कैसे लगते हैं, वो सब हमें देखना होगा। और एक सबसे बेहतरीन जो सवाल मुझे लगता है प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ का, कि कुछ वो स्वर समूह देते हैं, स्वर समूह देकर वो पूछ लेते हैं कि ये किस राग का स्वर है, पहचान है। तो ये आप जब प्रैक्टिकल तैयार करेंगे तभी आपका तैयार हो पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रैक्टिकल का अगर सिलेबस देखें तो शुद्ध और विकृत स्वरों में सरल अलंकार गाने का अभ्यास, मतलब जो भी हम अलंकार गाते हैं शुद्ध स्वर में, उसमें कुछ विकृत स्वर अगर किसी दूसरे राग में लगते हैं तो वो भी हमें गाने का अभ्यास करना होगा। राग समूहों में छोटा ख्याल, तो देखिए 7-8 राग जो हमें इस साल करने हैं, राग बिलावल, अहल्या बिलावल, यमन कल्याण, भूपाली और खमास, भैरव, बिहाग तथा असावरी। किन्हीं दो रागों में हमें आलाप गाने भी आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि इस वर्ष के निर्धारित राग समूह में से किसी एक राग का लक्षण गीत और सरगम गीत भी जानना जरूरी है। मतलब हमारे सिलेबस में तो इतने राग हैं ही, लेकिन प्रैक्टिकल में हमें कम से कम किसी एक या दो रागों में हमें जरूर सरगम गीत और लक्षण गीत गाना आना चाहिए। ठीक है, स्वर विस्तार सुनकर स्वर पहचानने की क्षमता, ये वही है जो हम थ्योरी में लास्ट में देखे थे कि रागों का कुछ स्वर समूह देकर पूछ लिया गया कि कौन सा राग है, या अगर आपको प्रैक्टिकल में है तो गा के आपसे पूछा गया कि ये किस राग का स्वर है जो आपको सुनाया जाएगा। ताली और खाली सहित स्थाई दुगुन चौगुन, ये लिखना भी आना चाहिए, थ्योरी में भी है और बोलने भी आने चाहिए। चार ताल इस बार दिए गए हैं, पहला दादरा, दूसरा कहरवा, त्रिताल या इसे तीन ताल भी कहते हैं, और झपताल।
एक जो महत्वपूर्ण चीज इसमें जुड़ा हुआ है, हमें राष्ट्रगान जनगण मन भी याद होनी चाहिए, उसमें आपको हारमोनियम पे बजाना आना चाहिए। जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर होंगे वो आपसे कहरवा और दादरा ताल में कोई भी गीत भी गाने के लिए बोल सकते हैं। ये जो आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं इसे मैंने दो पार्ट में कर दिया है ताकि आपको क्लियर दिख सके। ये सत्र 2019-20 का प्रश्न पत्र है, आप देख सकते हैं। जो टोटल मार्क्स होता है वो 50 नंबर का होता है और 100 का प्रैक्टिकल होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। समय हमारे पास 3 घंटे मिलते हैं और किन्हीं भी 5 प्रश्नों के ही हमें उत्तर देखने हैं। अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो 8 सवाल हैं, लेकिन हमें आंसर कोई भी 5 अपने मन से देना है, जो भी आपको अच्छा प्रश्न लगे, जिसकी भी आपको तैयारी हो। प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संगीत में कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित हैं। 2 पद्धतियों की हमने चर्चा की है सिलेबस में भी, तो उन्हीं 2 पद्धतियों के बारे में हमें लिखना होगा। इसमें आप यहाँ पे ध्यान दें तो 5 प्रश्न के लिए 50 नंबर है, मतलब एक प्रश्न हमारा 10 नंबर का होता है और इस 10 नंबर के लिए हम 1 से 1.5 पेज, 1.5 मैक्सिमम लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। 10 नंबर के लिए 1 से 1.5 पेज। आप सोच रहे होंगे ये कम है, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्राचीन कला केंद्र की कॉपियां होती हैं थ्योरी के एग्जाम में, वो ज़्यादा लंबी होती हैं, लंबी तो नहीं कहेंगे, चौली होती हैं, और उसकी एक कॉपी का पेज वो 2 पेज के बराबर होता है। तो इस तरह से आपका 1.5 पेज जो है वो लगभग 3 पेज के बराबर होगा और इतना काफ़ी होगा आपको 10 नंबर में अच्छे मार्क्स देने के लिए। दूसरा देखें, जो परिभाषिक शब्द हम देखते हैं उसमें तुलनात्मक व्याख्या करें पूछ रहा है, 5 उसके पार्ट हैं, मतलब 1 सिर्फ 2 नंबर का हुआ। अब बच्चे क्या करते हैं कि इसी में लिखना चालू किया और आधा पेज पहले प्रश्न से ही भर दिए। आपको ऐसा नहीं करना है। क में जब हम नाद और श्रुति लिखेंगे तो नाद के बारे में मैक्सिमम 2 लाइन लिखेंगे, 2 या 3 लाइन, और श्रुति के बारे में 2 या 3 लाइन, तो ये 5-6 लाइन में काफ़ी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, थाट किसे कहते हैं, इनकी संगीत में क्या महत्ता है, आधुनिक थाट पद्धति का निर्माता कौन है, थाट की संपूर्ण व्याख्या करें। तो ये 10 नंबर का है, तो इसमें हम पूरा पूरा जितना हो सके 1.5 पेज अच्छे से लिखेंगे। अगर हम थ्योरी पेपर में देखें तो प्राचीन कला केंद्र का जो एवरेज नंबर हमने देखा है वो 50 में से 30 से लेकर 30, 32, 35 से लेकर 47 या 48 नंबर तक देते हैं। मतलब अगर आप अच्छा लिखें तो मार्क्स आपको ज़्यादा नहीं कटते हैं। अक्सर बच्चों को देखता हूँ कि 3 घंटे का समय है लेकिन चूंकि प्रश्न 5 ही हैं तो एकदम जल्दी जल्दी में बिना हैंडराइटिंग बैठा है पूरा लिखे, सोचते हैं हमने सब लिख दिया और हमें नंबर अच्छा आएगा। तो उन्हें जो यूनिवर्सिटी है वो 35 से लेकर 40 के बीच में अंक देकर छोड़ देती है, जबकि जो बच्चे थोड़ा हैंडराइटिंग बनाकर थोड़ा अच्छे से लिखते हैं उन्हें 47-48 नंबर तक भी मिला है। इसका मतलब सिर्फ आप थ्योरी में 10 नंबर तक का गैप ला सकते हैं अगर आप अच्छा लिखते हैं, रागों को पहचाने स्वर समूह को देखकर। और ये प्रश्न अगर आपको परीक्षा में मिले तो इसे आप जरूर अटेम्प्ट करें अगर इसका उत्तर आपको आता हो, क्योंकि इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे अगर आपने सही सही पहचान लिया कि कौन सा स्वर किस राग का है। और जब आप पहचान लें तो सिर्फ 2 लाइन ना लिखें, यह इस राग का स्वर है, आप उसमें थोड़ा सा ऐसा आप लिख सकते हैं, थोड़ा उसका वादी संवादी उस राग के बारे में आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न भी इसी से मिलता जुलता है, पाठ्यक्रम में रे और ध कोमल वाले राग तथा म और नी वर्जित वाले राग का परिचय देकर सरगम गीत लिखें। तो आपको इसमें अपना सिलेबस देखकर कि कौन सा राग में रे और ध कोमल लगता है और किस राग में म और नी वर्जित हैं, ये आपको उत्तर लिखना होगा।
अलंकार को राग कल्याण में लिखें, जो भी राग आप जानते होंगे। इसमें सिर्फ इतना करना होगा कि आपको कि जिस राग का पूछा जाए उस राग में जो स्वर लगते होंगे उस स्वर के अनुसार आप अलंकार लिख देंगे, जो भी आप साधारण अलंकार बजाते होंगे। कम से कम 5 अलंकार आप जरूर लिखेंगे ताकि 10 नंबर आपको मिल सके। 3 ताल और झप ताल का परिचय देकर उनके ठेके दुगुन चौगुन लिपिबद्ध करें। यह भी बहुत अच्छा सवाल माना जाता है जिसमें नंबर आपको अधिक से अधिक मिल सकते हैं। और अगला प्रश्न है, जाति से आप क्या समझते हैं, इसकी विस्तृत वर्णन करते हुए इसकी महत्ता को प्रकाश डालें। तो ये 8 सवाल हैं, इसमें से हमें सिर्फ 5 के जवाब देने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बुक्स देख लेते हैं हमें कौन कौन सी प्रिफर करनी है। सबसे पहला राग परिचय भाग 1 और दूसरा स्वरलिपि संग्रह, मधुर स्वरलिपि संग्रह इसका पूरा नाम है। दोनों ही बुक हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी ने लिखा है। अब ये ही बुक हम क्यों प्रिफर करते हैं, इसका रीजन ये है कि दोनों ही बुक में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का सिलेबस कवर हो जाता है। मतलब अगर आप एक बार ये दोनों बुक ले लेते हैं तो आपको यही बुक सेकंड ईयर में भी काम आ जाएगा, आपको दूसरी बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आगे कोशिश की जाएगी कि थोड़ी बहुत थ्योरी की भी क्लासेज आपकी ऑनलाइन चलती रहे, कुछ परिभाषाएं आपको लिखवाया जा सके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।